Assalamu alaikum everyone. Welcome to Std-5 Boys English Medium Primary School. Standard 5 Subject EVS Topic. What if this will be finished? तो टॉपिक देखते ही हमको समझ में आ जाता है नाम पढ़ के ही कि हम किसी चीज़ की फिनिश होने की बात कर रहे हैं. तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा. ओके, विल सी व्हाट इज द चैप्टर इज अबाउट. नाउ व्हाट इफ दिस विल बी फिनिश्ड, अ बस जर्नी. ओके, सो बस मीन्स हमको सबको पता है बस होती है. एंड जर्नी मीन्स ट्रैवल करना. टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालज स्टेप वेल अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. तो कुछ बच्चे हैं आप लोगों जैसे ही छोटे छोटे, वो लोग क्या कर रहे हैं आज उनके स्कूल ट्रिप से कहाँ जा रहे हैं, अदालज स्टेपवेल. तो स्टेपवेल मतलब जहाँ पे हमने पढ़ा था पहले भी कि जो वेल होता है मतलब कुआं होता है उसमें स्टेप्स बनाई जाती है. ओके, सो वहाँ पे जा रहे थे अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. तो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर है. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. तो उनको क्या है बच्चों, उन्होंने रोड पर जो भी व्हीकल्स आते थे मतलब जो भी गाड़ियां आती थी उनको काउंट करना शुरू कर दिया. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर्स काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकल्स. अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड. देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे. तो उनमें से कुछ बच्चों ने क्या किया, बाइसिकल्स काउंट की, दूसरों ने बसेस, देन कार्स एंड मोटरसाइकल्स. तो सबने अलग अलग अपने अपने हिस्से शेयर कर लिए. ओके, लेकिन अब्राहम जो था जो बाइसिकल काउंट कर रहा था वो जल्द ही बोर्ड हो गया. बोर्ड हो गया मतलब बोरिंग उसको लगने लगा. क्यों, देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे. तो उसने देखा कि उस हाईवे पर बहुत ही गिनी चुनी बाइसिकल्स है, मतलब दो या चार या पांच ही बाइसिकल्स है, जिसे उसने तुरंत ही गिन लिया और वो फिर बोर हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट सिग्नल. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन्स लाइंड अप ऑल साइड्स. ओके, तो ड्राइवर ने अब क्या किया, बीच में वहाँ पे सिग्नल आने की वजह से रेड लाइट दिखी उसको, तो उसने वहाँ पे ब्रेक लगा ली. ओके, सो रेड लाइट पे बच्चों हमको सबको पता है कि जब भी सिग्नल पे रेड लाइट होती है तो एक ट्रैफिक रूल के हिसाब से हमको गाड़ी रोकनी है. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, और वहाँ से क्रॉस करना बहुत बड़ा था, मतलब बिग क्रॉसिंग थी, वहाँ से बहुत सारी गाड़ियां जो है क्रॉस हो रही थी. एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स, और उन्होंने देखा कि पूरे चारों दिशाओं में क्या था, चारों जगहों पर वहां पे ट्रैफिक वगैरह थी. देयर वाज अ नॉइज ऑफ हॉन्किंग एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. मे बी दैट इज व्हाई अ लिटिल बॉय इन रिक्शा वाज कफिंग सो मच. तो उसने वहां पे उन्होंने क्या सुना, सबसे पहले तो नॉइज ऑफ हॉन्किंग, हॉर्न बजाने की आवाज सुनी, एंड स्मोकिंग कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, और जितने भी व्हीकल्स खड़े थे उसमें से स्मोक मतलब धुआं बाहर आ रहा था. मे बी दैट इज व्हाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच. इसी वजह से, वो धुएं की वजह से ही एक बच्चा जो छोटा वो रिक्शाओं में बैठा हुआ था, तो रिक्शों की अंदर से ही उसको क्या है, कफिंग हो रही थी मतलब खांसी आ रही थी. आई स्मेल समथिंग फेमिलियर. आई रिमेंबर दिस स्मेल ऑल्सो केम फ्रॉम माई फादर्स ट्रैक्टर इन द विलेज. तो एक बच्चा जो अपनी ये बात बता रहा है उसने भी कुछ वहाँ पे स्मेल किया मतलब सूंघा, उसे वहाँ पे खुशबू वगैरह आई, और उसको ये खुशबू सूंघते ही क्या लगा कि ये उसके फादर की जो ट्रैक्टर होता है उसके विलेज में उसमें से आती थी. ओके, सो इस तरह से एक सीन था. अब नाउ यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 110 एंड राइट. तो जो हमने पिक्चर देखा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे बराबर से अच्छे से, तो इस पे हमने देखा तो क्या क्या है, क्या है क्या नहीं है वो हमको बताना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल यू कैन सी. तो हमने देखा कि बाइसिकल्स, ठीक है, देन उसके बाद बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शाज. ओके, सो इस तरह से तीन चार या पांच टाइप के व्हीकल्स हमने वहां पे देख. व्हाट डू यू थिंक, विच व्हीकल्स नीड पेट्रोल और डीजल एज फ्यूल. ओके, सो ये आप लोग को बताना है. ओके, कि कौन सा व्हीकल किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है. जैसे फॉर एग्जांपल बाइसिकल है, तो बाइसिकल के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे मोटर बाइक है. ओके, सो मोटर बाइक के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको सबको पता होना चाहिए. देन कार है. ओके, ऑटो रिक्शा है. सो इस तरह से विच ऑफ द व्हीकल्स गिव ऑफ स्मोक पुट मार्क ऑन देम. अब इनमें से जो भी है, कौन सी व्हीकल में से धुआं निकलता है उस पर हमको सिर्फ और सिर्फ मार्क करना है. विच व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल. तो हमको पता है, मैंने अभी बताया आप लोग को
के जो साइकिल होती है उसमें हमको पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स? अगर हम बहुत ज़्यादा जोर से हमारी गाड़ी चलाएंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? सो ये सब क्वेश्चन हमको यहाँ पे दी गए हैं जो आप लोग को सोच के रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, सी एट द पेट्रोल पंप। अब दूसरा सीन है, तब यहाँ पे पेट्रोल पंप पे देखो क्या होता है। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप, देर वॉज अ लॉन्ग क्यू, इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स। ओके, सो कुछ देर बाद उनकी बस जो है एक पेट्रोल पंप पे रुकी, देर वॉज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसा आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पे खड़े हैं। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, ऐसा लगता था उनको कि अब हमको यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, और वो सभी लोग बस से नीचे उतर गए एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के आजू बाजू देखने लगे। वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, और उन्होंने बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर पेट्रोल पंप पे देखे। उसमें से एक पोस्टर यहाँ पे दिखाया गया है, सी पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो वहाँ पे एक पोस्टर यहाँ पे ऐसा बनाया गया था पेट्रोल पंप पे, और वहाँ पे ऐसा लिखा गया था पेट्रोल और डीजल कभी भी हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए अपने बच्चों के लिए उनको बचा लो। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, और एक एक ड्रॉप की कीमत समझो और उसे लंबे टाइम तक चलाओ। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, तो जब भी हम कहीं पे रुकते हैं, मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, ओके, जो भी व्हीकल्स हो, तो हमको इंजन ऑफ कर देना है, मींस गाड़ी वगैरह बंद कर देनी है, ओके, जब भी हम रुकते हैं। और वहां पे डेट लिखी गई थी 6/6/2019 एंड रेट ऑफ द पेट्रोल पंप, मींस वहां पे कितने रुपये लीटर है। देखो पेट्रोल जो था 68.64 पर लीटर एंड डीजल रुपीज 68.25 पर लीटर। ओके, सो इस तरह से वहां पे एक पोस्टर बनाया गया था। नाउ वी विल गो फर्दर, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटर्न दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, वी थॉट टू आस्क द अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप। तो बच्चों को क्या लगा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा पोस्टर वहाँ पे क्यों बताया गया है और क्यों पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेगा, और उन्होंने क्या किया, वी थॉट टू आस्क द अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप अंकल काम करते हैं उन्होंने उनसे पूछना चाहा। नाउ फर्स्ट अब्राहम क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, और उसने क्वेश्चन किया अंकल को कि अंकल हम पेट्रोल डीजल कहाँ से हमको मिलता है। अंकल फ्रॉम डीप, वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, और अंकल ने आंसर किया कि बहुत बहुत नीचे से, ग्राउंड के अंदर से, मतलब जमीन के अंदर से हमको मिलता है। मंजू बट हाउ डज इट गेट फॉर्म देयर, तो मंजू ने क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि वहाँ पे बनता कैसे है। ओके, किसी भी चीज़ को बनाने की जरूरत पड़ती है हमको, सो वहाँ पे बनता कैसे है। अंकल इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन, तो ये क्या है, नेचुरली बनता है, मीन्स ये गॉड का क्रिएशन है, कुदरती बनता है, बट वेरी स्लोली, लेकिन ये स्लोली भी बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन, और नेचुरली है, मीन्स ना ही इसे किसी ह्यूमन ने बनाया ना ही किसी मशीन ने। अब्राहम देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन डिग इट आवरसेल्फ्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। तो अब्राहम ने क्या 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 कहा वहाँ पे, तो हमको इसको भी खरीदने की ज़रूरत क्या है, हम भी बोरवेल की तरह, मीन्स बोरिंग वगैरह जो हमारी होती है, जो नीचे से हमारा पानी ऊपर तक खींचती है, तो उसका यूज़ करके हम लोग भी जैसे वाटर बाहर निकालते हैं वैसे पेट्रोल भी निकाल लेंगे। ओके, नाउ अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट इट इज़ फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेसेज इन आवर कंट्री, वी नीड बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड रिफाइन इट। ओके, सो उन्होंने क्या कहा, ये हर जगह पे नहीं मिलता बल्कि कंट्री के कुछ कुछ प्लेसेस पे ही मिलता है, और इसे निकालने के लिए हमें बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स और रिफाइनरी चाहिए जो इसे प्योर कर सके, जो हमारे यूज आ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या देखते हैं वो लोग, दे डिस्कस फर्दर, दिव्या इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर सेड दैट द पेट्रोल इज नॉट गोइंग लास्ट फॉर एवर, तो दिव्या ने क्वेश्चन किया कि क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये पोस्टर में तो ऐसा ही लिखा है। अंकल इट डज नॉट गेट फॉर्म्ड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, तो अंकल ने क्या आंसर दिया कि हम लोग जितना यूज कर रहे उतनी फास्ट तो ये नहीं बनता, लेकिन इसे कई साल लग जाते हैं बनने में नीचे जमीन के। ओके, अब्राहम हाउ विल व्हीकल रन इफ द पेट्रोल इफ द ऑयल फिनिशेस, तो अब्राहम ने क्वेश्चन किया कि
अगर पेट्रोल या डीजल या कुछ भी जो है वो खत्म हो जाएगा तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे? मंजू ऑन सीएनजी, आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स व्हाइल व्हिच रन ऑन सीएनजी क्रिएट लेस स्मोक। तो मंजू ने वहाँ पे उसको आंसर दे दिया कि सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कल आजकल बेटा हमारी कार्स में चलता है। ओके, सो उसने मंजू ने आंसर दिया कि मैंने टीवी पर देखा था कि सीएनजी वाले जो व्हीकल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो स्मोक जो होता है वो स्लोली मतलब बहुत ही लेस निकालते हैं। अंकल लाफिंग, तो जो अंकल थे वो हंस रहे थे, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द सॉइल इट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो उन्होंने क्या कहा कि ये भी क्या है सॉइल के मतलब जमीन के नीचे से आता है और ये भी क्या है लिमिट में है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो दिव्या ने कहा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम लोग क्या है व्हीकल चला सकते हैं जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं। ओके, अब्राहम वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। तो अब्राहम ने कहा हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे जाके जिंदगी में कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। दिव्या, माय ग्रैंडमदर वुड बी हैप्पी इफ यूर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंट्स, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। ओके, सो उसकी ग्रैंडमदर जो है दिव्या की वो क्या होती थी, खुश होती थी। क्यों खुश होती थी? इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, मतलब जितने कम लेस व्हीकल्स वहां पे चलेंगे उतना ही वो ज्यादा खुश होती थी। शी सेज, और वो क्या एक बात बोलती थी, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंट्स। ओके, मतलब क्या है कीड़ी मकोड़े की तरह यहाँ पे व्हीकल्स मतलब जो है गाड़ियां चल रही है। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तो जब तुम लोग बड़े होगे तो तुम क्या करोगे। मंजू, सी ओनली वन और टू पर्सन्स आर सिटिंग इन दिस कार, व्हाई डोंट दे यूज अ बस। तो मंजू ने वहां पे देखते ही ये बात सुनते ही कहा कि इस कार में वन और टू पर्सन ही बैठे हैं तो व्हाई डोंट दे यूज अ बस, तो ये लोग बस क्यों यूज नहीं करते। अब्राहम, डेट विल सेव पेट्रोल, वन बस कैन कैरी मैनी पीपल। तो अब्राहम ने भी वही कहा कि इसी वजह से जो है अगर पेट्रोल वगैरह बचाना है तो वो लोग बस से सहारा करके बस का यूज करके भी जा सकते हैं, इस तरह से हमारा पेट्रोल बस बच सकता है और एक बस बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकती है, ले जा सकती है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज इट एज मच एज वी वॉन्ट। तो मंजू ने क्या कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सनलाइट से चलने वाली कार चलाऊंगी और उसके बाद हमको कोई भी वरी करने की फिकर करने की जरूरत नहीं रहेगी और हम जितना चाहे उसका उतना यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर द ऑयल इज डीप इनसाइड द अर्थ, साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप। तो ये एक ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब खजाना है, किस चीज का, अर्थ का, मतलब अर्थ में से खजाना निकल रहा है। जो भी हमको मिलता है बच्चों कॉस्टली, मतलब जो भी पेट्रोल है डीजल है भी कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, लेकिन ये हमारे लिए खजाना है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन टू फाइंड दिस आउट, तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाता बल्कि साइंटिस्ट को स्पेशल टेक्निक्स और मशीन्स लगाने पड़ते हैं ढूंढने के लिए। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट, टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी, हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी। ओके, सो ये जो है पाइप वगैरह से ऊपर खींचा जाता है और ये ऑयल जो होता है वो बहुत ही स्मेली होता है, बहुत बुरी तरीके से उसमें से बास आती है। ओके, थिक होता है, जाड़ा होता है, डार्क कलर्ड लिक्विड, और डार्क कलर होता है, गहरा होता है उसका कलर। इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्स इन इट, और इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी, और इसे सेपरेट करने के लिए पेट्रोल प्योर बनाने के लिए जो हमारी गाड़ी में डालकर चल सके हमारी गाड़ी जिससे, तो उसे रिफाइनरी भेजा जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी, क्या तुमने रिफाइनरी के बारे में सुना है। इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम दैट वी गेट केरोसिन डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, डू यू नो दैट एलपीजी वैक्स कोल्टर एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम दिस। ओके, सो पेट्रोलियम की तरह ही हमको जो है बच्चों केरोसिन डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट ये सभी चीज़ें मिलती है। इसके अलावा एलपीजी वैक्स कोल्टर एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम दिस, और इसी तरह से हम लोग को पेट्रोल जब मिलता है तो इसी में से सब चीज़ें, ये सब चीज़ें अलग की जाती है। कहाँ पर अलग की जाती है, पेट्रोल रिफाइनरीज में। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। ओके, और इसके अलावा जो है सेवरल थिंग्स मतलब प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी
इसका काम किया जाता है ओके यूज किया जाता है आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग फ्यूल आई रिमेम्बर दैट समटाइम्स माई फादर कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स एट टाइम द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन व्हाट अ वेस्ट आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू माई फादर व्हेन आई गो होम तो बच्चे ने जो बोला था हमने आगे पढ़ा कि वो उसके फादर को फादर जो है ट्रैक्टर में भी उसके फादर के ट्रैक्टर में से ऐसी ही खुशबू आती थी तो उसने भी वही बोला कि अब मैं क्या है मेरे पापा से ऐसे बात करूंगी जब भी मेरे पापा खेतों में होते हैं तो ऐसा ट्रैक्टर चालू रख के या स्टार्ट करके चले जाते हैं और मैं अपने पापा से बात करूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वेस्ट हो ओके नाउ सी द नेक्स्ट पेट्रोल या कहाँ ये पेट्रोल डीजल कहाँ कहाँ यूज होता है फर्स्ट इज फॉर ड्राई क्लीनिंग ओके सेकेंड फॉर लाइटिंग थर्ड एज अ फ्यूल ऑफ कार ट्रैक्टर और एरोप्लेन तो तीनों चीज़ों में यूज़ होता है देन एज केरोसिन एंड एलपीजी केरोसिन भी यूज़ होता है हमारा और एलपीजी जो हमारी गैस की बोतल होती है या गैस की जो लाइन है वो एलपीजी की होती है ओके नाउ फिफ्थ इज बिट सो टू रन मशीन्स तो फैक्ट्रीज के मशीन्स हो गए या फिर हम लोग देखते हैं जनरेटर जो जनरेटर हमारी पावर चली जाती है जिससे हमको पावर मिलती है तो उसमें भी पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स और इसके अलावा प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है और पेंट्स बनाने के काम में जो हमारा घर होता है उसके काम में भी घर का कलर जो होता है उसके काम में भी आता है ओके नाउ नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी पोएट्री दी गई है देखो यहाँ पे दिव्या ने लिखी है ओके आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो हु एम आई डू यू नो इट विल लास्ट लॉन्ग आई विल लास्ट लॉन्गर इफ यू यूज मी विद केयर आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर आई लाइट योर लैम्प्स आई कुक योर फूड आई रन योर मशीन्स तो दिव्या ने लिखी है तो ये पेट्रोलियम की बात हो रही है कि मैं एक ब्लैक हूँ मैं एक थिक हूँ मैं फ्लो करता हूँ ओके सो इस तरह से नेक्स्ट जो है बेटा डीजल की बात हो रही है फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई इफ नॉट यूज विद केयर I won't always be there. Will they fight without me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? तो यहाँ पे दिव्या ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या होगा दुनिया मेरे लिए लड़ेगी मेरे बिना लाइफ पॉसिबल होगी लाइक दैट ओके तो इस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी पोएम उसने लिखी है ओके नाउ नेक्स्ट लॉन्ग टाइम अगो वुड फॉर चूल्हा मतलब चूल्हा जो है बच्चों जो गांव वगैरह में यूज़ किया जाता है उसके लिए वुड यूज़ किया जाता है वुड मतलब बच्चों लकड़ी वगैरह का ओके आज भी बहुत सारे जगहों पर वुड यूज़ किया जाता है देखो यहाँ पे दुर्गा लिव्ड इन अ विलेज इन हरियाणा एवरी डे शी स्पेंड मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर चूल्हा हर डॉटर ऑल्सो हैड टू हेल्प हर इन दिस फॉर द पास्ट थ्री मंथ्स शी हैड अ कफ देर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक वेन डैम वुड वॉज बर्न बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन वेन देर इज नॉट इनफ मनी टू बाई फूड वेर विल देर बी मनी टू बाई वुड ओके तो दुर्गा जो है एक हरियाणा के विलेज में रहती है ओके एवरी डे शी स्पेंड मेनी अवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा और अपने चूल्हे के लिए क्या है वुड इकट्ठा करती रहती है पूरे दिन हर डॉटर ऑल्सो हैड टू हेल्प हर इन दिस और इसकी उसकी जो डॉटर है उसकी जो लड़की है वो भी उसको क्या करती है मदद करती है फॉर द पास्ट थ्री मंथ्स शी हैड अ कफ पिछले तीन महीनों से उसे कफ है खांसी हो रही है देर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड वॉज बर्न्ड मतलब वो जब वो चूल्हा जलाती है जब भी वुड का चूल्हा जलाया जाता है तो लकड़ी जलाई जाती है तो बहुत सारा धुआं होता है जिसकी वजह से उसे कफ हो गया है बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेकिन दुर्गा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है व्हेन देर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड जहाँ पे अगर खाने के पैसे ही नहीं है खाना खाने के पैसे ही नहीं है वेर विल देर बी मनी टू बाई वुड तो उनके पास वुड खरीदने के कहाँ से पैसे आएंगे इसलिए वो लोग जैसे आते हैं वैसे ही लकड़ी को जला लेते हैं जिसकी वजह से धुआं वगैरह हो सकता है द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज अर्लियर अबाउट 2/3 ऑफ पीपल इन आवर कंट्री यूज काउ डंग केक्स वुड एंड ड्राई ट्विग्स एक्सेट्रा तो हमारी कंट्री में पहले मतलब अभी भी यूज करते हैं लेकिन तो लोग कम हो गए हैं क्या यूज करते हैं काउ डंग केक्स मतलब जो गाय का गोबर जो होता है उसे सुखा कर क्या है उसका चूल्हा वगैरह उसे जलाया जाता है उससे खाना वगैरह पकाया जाता है ओके देन वुड मतलब लकड़ी वगैरह जो है एंड ड्राई ट्विग्स तो जो छोटी छोटी लकड़ियां होती है जो ड्राई होती है सूखी होती है उसको यूज करके खाना वगैरह बनाया जाता है चूल्हा बनाया जाता है दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग ओके लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं होता बल्कि इसे हमको खुद को गर्म करने के लिए भी होता है वार्म अप के लिए भी होता है
है फॉर हीटिंग वाटर, और वाटर गर्म करने के लिए भी होता है, एंड फॉर लाइटिंग मतलब जो हमारी लाइट बिजली वगैरह होती है उसके लिए भी होता है. मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज एट होम सच एज केरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. इसके अलावा भी पेट्रोल डीजल के अलावा भी बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जिससे केरोसिन हो गया, LPG हो गया, कोल मीन्स कोयला, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो सभी चीज़ें क्या है बच्चों, लिमिटेड है. ओके सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ये रखा गया है व्हाट इफ इट विल बी फिनिश्ड, मतलब अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारी जिंदगी कैसे चलेंगी, हमारी पूरी जिंदगी इसी पर डिपेंडेंट है, केरोसिन, LPG, ठीक है, पेट्रोल डीजल. आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां रन करती है हमारे सामने से जाती है, हमारे स्कूल के बाहर देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपके घर के बाहर देख लो. ओके सो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसे अच्छे से यूज करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल उस लड़के ने बोला, इब्राहिम ने, कि अगर हम कार की जगह बस में ट्रैवल करेंगे तो बस जो है बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करवा सकती है, ना कि कार में दो ही लोग ट्रैवल करें, कार में 5 या 6 लोग हो तभी ट्रैवल करना चाहिए, जिसकी वजह से पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा, डीजल वेस्ट नहीं होगा, और हमारी ज़िंदगी जो है और आने वाले लोगों की ज़िंदगी भी ईजीली क्या होगी, गुजरेगी. ओके सो इस तरह से बच्चों आज का ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन बच्चों अल्लाह हाफिज़.